हेलो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसईओ और एसईएम यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सर्च इंजन मार्केटिंग में क्या डिफरेंस होता है। हेलो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसईओ और एसईएम यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सर्च इंजन मार्केटिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग काफी देर से परेशान हैं और मेरे को कमेंट में काफी लोगों ने पूछा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सर्च इंजन मार्केटिंग में क्या फर्क होता है, तो इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो आप पहली बार आए हो हमारे चैनल पे, तो आप देख सकते हो कि जो हम वीडियो जो कि हम प्लेलिस्ट चला रहे हैं, ये एक हम गूगल एड्स की मास्टरी कोर्स चला रहे हैं। इस सीरीज में आपको वो सभी वीडियो मिलने वाली है जो कि आपको गूगल एड्स का प्रो बना देगी। यानी कि आप अगर गूगल एडवर्ड में इंटरेस्टेड हैं और आप गूगल एड्स क्रिएट करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये सीरीज आपके लिए है। तो दोस्तों, आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जो सर्च इंजन मार्केटिंग में, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको कि इसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सर्च इंजन मार्केटिंग ये क्या होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और क्या सिमिलैरिटीज होती है। तो पहले आपको बताऊंगा कि इस वाले चार्ट में आप देख सकते हो कि जो लिखा है SEM which use paid strategy to appear in search, यानी कि जो SEM यानी कि जो सर्च इंजन मार्केटिंग होता है, वो एक पेड स्ट्रेटजी होता है गूगल पे शो होने के लिए। यानी कि आपका अगर रिजल्ट गूगल पे शो इस तरीके से हो रहा, मान लीजिए मैं सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और मेरा जो पहला जो मेरा रिजल्ट है शो हो रहा है एड के फॉर्म में, AD यहाँ लिखा गया, तो ये मेरा आता है SEM में। यानी कि ये शो होने के लिए मैंने गूगल को पेड यानी कि पैसे दिए हैं। और जो नीचे के ऐसे रिजल्ट जिसमें AD लिखा नहीं आ रहा यानी कि जिसमें एड लिखा नहीं आ रहा, ये ऑर्गेनिक रिजल्ट है, ये जो कि SEO यानी कि SEO से आए हैं। तो आपने देख लिया कि SEO और SEM में क्या फर्क होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा डीप में चलते हैं इसके, जानते हैं। और SEO की मैं आपको बता दूं, SEO विच यूजेस ऑर्गेनिक स्ट्रेटजी टू अपियर इन सर्च। SEO क्या होता है, एक ऑर्गेनिक स्ट्रेटजी होती है, यानी कि ये एक लेंथी प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम गूगल पे ला सकते हैं। लेंथी प्रोसेस कहने का मतलब है इसमें ऑन पेज SEO आपको देखना पड़ता है, इसमें आपको ऑफ पेज SEO करना पड़ता है, इसमें आपको टेक्निकल SEO करना पड़ता है। ये तीन पैटर्न होते हैं जिसको करने के बाद आप अपने वेबसाइट को ऑर्गेनिकली टॉप पर लाते हो। लेकिन जो गूगल एड्स होता है, इसमें आपको ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO, टेक्निकल SEO नहीं देखना पड़ता। इसमें आप गूगल को पेड पैसे देते हो और पेड स्ट्रेटजी का यूज करके आप गूगल पे टॉप पे आते हो, जिसके बदले में आप गूगल को पर क्लिक के रुपए देते हो। तो मैं आपको अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस यानी कि सर्च रिजल्ट पे डिफरेंस, कॉस्ट के बिहाफ पे, टारगेटेड विजिबिलिटी के बिहाफ पे और रिजल्ट इमीडिएटली के बिहाफ पे। तो पहले मैं आपको बताऊं कि सर्च रिजल्ट जो होता है, जो कि मैंने आपको साथ बता दिया कि जो रिजल्ट है, जो रिजल्ट के अगर आपको रिजल्ट के फॉर्म में देखना है कि इसमें डिफरेंस क्या होता है, तो जो अगर SEM से जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे, उसमें एड लिखा हुआ, यानी कि आप यहाँ देख सकते हो जो एड पे मैंने सिलेक्ट किया है, ये SEM के थ्रू आया है, लेकिन बाकी रिजल्ट में ऐसा कुछ नहीं है, बाकी रिजल्ट ऐसा नॉर्मल चल रहे हैं। लेकिन आप 9 के बाद रिजल्ट देखोगे नीचे, इसमें फिर एड लगा हुआ है, इसमें भी एड लगा हुआ है, यानी कि जो है ये एड यानी कि ये सर्च इंजन मार्केटिंग के थ्रू ये रिजल्ट आए हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कॉस्ट। अगर मैं कॉस्ट के बिहाफ पे दोनों को डिफरेंस करता हूँ, तो कॉस्ट के बिहाफ पे मैं करूँगा कि अगर कोई फ्री में मेरा कोई ऑर्गेनिक रिजल्ट आता है, तो वो SEO के थ्रू आता है, जबकि SEM के रिजल्ट हमेशा हमें गूगल को पेड करने के बाद ही आते हैं। यानी कि जो एड के फॉर्म में यहाँ पर आया है, इसने गूगल को पेड किया है, इसके बाद ही ये यहाँ पर आया है। अगर मैं टारगेटेड विजिबिलिटी की बात करूँ, यानी कि अगर मेरे को विजिबिलिटी टारगेटेड चाहिए, तो SEM मेरे लिए फायदेमंद है, क्योंकि इसके थ्रू मैं अपने कीवर्ड को टारगेट कर सकता हूँ कुछ सिलेक्टेड कीवर्ड पर। क्योंकि SEO एक ऐसी स्ट्रेटेजी होती है जिसमें हम टारगेटेड करते हैं किसी स्पेसिफिक कीवर्ड पर, लेकिन इसमें और भी कीवर्ड पर यह रैंक होना शुरू हो जाता है। लेकिन जबकि SEM में ऐसा नहीं होता, सर्च इंजन मार्केटिंग में हम जिस कीवर्ड पर टारगेट करेंगे, ये उसी कीवर्ड पर ही टारगेट होता है। अगर आपको रिजल्ट इमीडिएट के फॉर्म में अगर मैं इसको डिफरेंस करूं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि रिजल्ट इमीडिएटली अगर आपको चाहिए, तो आप सर्च इंजन मार्केटिंग का यूज कर सकते हैं, जबकि आपको SEO का यूज करने के लिए आपको एक लंबा समय चाहिए होगा।
यानी कि अगर आप कोई कीवर्ड रैंक करा रहे हो तो हो सकता है आपको 6 महीने का टाइम भी लग जाए। तो अगर मैं आपको इमिडिएटली के वहाँ पे आपको मैंने बता दिया, तो अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलने वाला हूँ जिसमें आपको बताऊंगा सिमिलैरिटी के बारे में। तो सिमिलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट में डिवाइड किया है। दोस्तों मैं बता दूं, ये जो 4 पॉइंट में, तो पहला पॉइंट है बोथ हेल्प्स टू अपीयर ऑन सर्च, यानी कि दोनों ही के हेल्प से हम सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे आ सकते हैं। यानी कि अगर मैं SEO की बात करूं या SEM की बात करूं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करूं या सर्च इंजन मार्केटिंग की बात करूं, दोनों का ही हेल्प करके हम गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे आ सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल पे आप देख सकते हो कि मैंने ये भी मैं गूगल पे आ चुका हूं और ये भी मैं गूगल पे आ चुका हूं। दोनों में फर्क क्या है, पहला वाला जो रिजल्ट है वो SEM से आया है, बल्कि दूसरा वाला रिजल्ट जो है वो SEO से आया है। दूसरे पॉइंट में मैं कह रहा हूँ बोथ हेल्प्स टू ड्राइव मोर ट्रैफिक, यानी कि जो दोनों रिजल्ट है, ट्रैफिक दोस्तों आप जानते हो कि अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करता है और तो ट्रैफिक इस पे भी आने के चांस है और इस पे आने के भी चांस हैं, तो चांस की हम कह सकते हैं कि ड्राइव मोर ट्रैफिक होता है। बोथ यूज कीवर्ड रिसर्च, एब्सोल्युटली दोस्तों कीवर्ड रिसर्च के बारे में मैंने आगे वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। दोस्तों ये वीडियो आपको मिल जाएगा, आप मेरी प्लेलिस्ट देखोगे आगे चल के नीचे करके, तो आपको एक कीवर्ड रिसर्च के ऊपर एक अच्छी खासी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप जान सकते हो कि SEM में किस तरीके से कीवर्ड रिसर्च किया गया है। अगर आपको SEO में कीवर्ड रिसर्च देखना है तो आप मेरी वाली प्लेलिस्ट भी देख सकते हो, ये भी मेरे से चैनल पे ही है। दोस्तों मेरे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बोथ टारगेट स्पेसिफिक कीवर्ड। दोस्तों ये बात बिल्कुल करेक्ट है, हम दोनों में ही हम स्पेसिफिक कीवर्ड को टारगेट करते हैं, यानी कि अगर मैं SEO करूं या SEM करूं, दोनों पे ही मैं ऐसे कीवर्ड को टारगेट करूंगा जिसको जिससे कि मेरे को कन्वर्जन मिल सके, जिससे कि मेरे को मेरे जो है मेरे एक ऐसे ट्रैफिक इंटेंशन वाले ट्रैफिक मिल सके, मेरे को टारगेटेड ट्रैफिक मिल सके, मेरे को ऐसे नहीं चाहिए जो मेरे किसी काम के ना हो, तो बहुत टारगेटेड। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा SEO वर्सेस SEM के ऊपर। दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको कोई दिक्कत आई हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों इस प्ले लिस्ट को आप जरूर देखिए अगर आप गूगल एड्स में इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों उसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी।